शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये कुत्ते के कान में क्या झांक रहे हो? कुछ पैसा वैसा गिर गया क्या अंदर? नहीं मामा, इसके कान में दर्द है। अरे रे रे, दर्द है? हाँ, भाई के दर्द भाई नहीं पहचानेगा तो और कौन पहचानेगा? देखो मामा। अरे क्या देखूं? मैं तुझे उस जमाने से देख रहा हूँ जब तू इतना सा नंगा घुमा करता था। वैसे कपड़े पहन कर तुझे खास फर्क नहीं पड़ा है। शट अप मालिक। वाह भाई वाह गोविंद, तुम तो उसे आसपास ले आए। भाई मुआवजा वगैरह क्या मिलेगा सब समझा दिया ना इसे? मेरा नाम ए नहीं रवि है। गोविंद अपने बेटे से कहो खामखा तकरार टंटा ना करे, लगन से काम कर। जी मालिक। जा तू बगीचे में जाके मेरा इंतजार कर, मैं आके तुझे काम समझा देता हूँ। अबे और रवि के बच्चे क्यों बे? शक्ति के बच्चे। रवि बुरा लगा ना? इसी तरह मुझे भी बुरा लगा, इसलिए इज्जत दो और इज्जत लो, मुझे रवि कहकर पुकारो। ओ हो हो, महाराजा राज राज श्रीमान रवि साहेब, अब आप कृपा करके अपना काम संभालेंगे? अवश्य हुजूर। पिताजी अबे तुबे कहकर पुकारना, कुत्ता गधा कहके गाली देना, ये सब हरकतें आप अपने तक ही महदूद रखिए। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन की खातिर काम करने आया हूँ, इसे जरा समझा देना। बस आज से हम लोगों का खेतों में काम करना बंद। अरे ठाकुर के वादों पे काम करते रहे तो हम लोग मर जाएंगे और ठाकुर के वादे कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए दो वक्त की रोटी जब तक हमें नहीं मिलती, ठाकुर अपने वादे पूरे नहीं करता, हमारा कोई किसान खेत में नहीं उतरेगा, कोई फावड़ा उठाकर काम नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं रामू, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। तुम लोगों को मजदूरी के ज्यादा पैसे चाहिए ना तो मैं दिलवाता हूँ, मेरा वादा है, लेकिन तुम लोग काम शुरू करो। इन्हीं देने दिलाने के वादों में बरसों बीत गए। नहीं नहीं रामू, ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। ये देखो पूरा उगा हुआ धान पानी में खड़ा है, अगर आज इसे काट कर सूखी जमीन पे नहीं डाला गया तो सब फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हो जाने दो, ठाकुर हमेशा हमारी जिंदगी की फसलें बर्बाद करता चला आया है, आज उसकी फसलें बर्बाद होने दो ताकि उसे भी एहसास हो कि तकलीफ क्या चीज होती है। ये तो ठाकुर के तलवे चाटने वाला चमचा है। अरे ये तो उसका जर खरीद गुलाम है, उसकी तरफदारी करेगा ही। जा रे गोविंद, बोल दे अपने ठाकुर को जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हमारी तरफ से हड़ताल जारी रहेगी। My darling brother Edward, come on, come on, come on. Catch the ball, ball, ball here, here. Hey, catch it. One, two, yeah, catch it. Come on. वाह वाह वाह, कैसी औलाद तुमने मेरी झोली में फेंकी है, जो कुत्ते को भी ब्रदर बोलता है। वाह, सुबह का नाश्ता कुत्ते के साथ, दोपहर का खाना कुत्ते के साथ, यहाँ तक कि रात का सोना भी कुत्ते के साथ है। एक बात तो बताओ भागवत, कहीं बचपन में बच्चे बदल तो नहीं गए थे? क्या मतलब? मेरा मतलब है हमारा बच्चा किसी और के घर, कुत्ते का बच्चा हमारे। जरा तो जबान पर काबू रखो, जो मन में अनाप शनाप आता है बोलते रहते हो। तो और क्या करूँ, ये कोई औलाद है? हाय मॉम। अरे डैड और मम को मारो बम, पहले से दूर करो। डैड ये तो आपका जुल्म है, आपको मेरी हर अदा से चिढ़ है। अदा? कैसी अदा? अरे जो इसे अदा कहे वो गधा है, गधा। डैड बस बस शक्ति, बहस मत करो, इसे ले जाकर बांध दो और चलकर नाश्ता करो। कम ऑन ब्रदर। मालिक क्या बात है गोविंद? खेतों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, अड़ कर बैठे हैं, जब तक उनका मुआवजा नहीं बढ़ाया जाता काम नहीं करेंगे। क्या मुसीबत है डैड, ये मजदूरों की जात है ही नमक हराम, जब भी कोई खास मौका आता है तो ऐसी एड़ीबाजी करते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं दूसरे गांव जाकर दूसरे मजदूर लेकर आता हूँ और इन सालों के मुंह पर जूता मारता हूँ। गोविंद तुम डैड को लेकर खेत पर जाओ, मैं मजदूर लेकर आता हूँ। चल एडवर्ड। ये सब क्या है? इस तरह काम छोड़कर बैठना नमक हरामी है। आज तुम सब लोगों ने मेरा अपमान किया है, उस कानून की तोहिन की है जो पीढ़ियों से इस गांव के मजदूर मानते चले आ रहे हैं। इन नमक हरामों को कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं है डैड, ये समझते खड़ी फसल से हमारी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठा लेंगे? हर किस नहीं, इनकी हड़ताल का मुंह तोड़ जवाब लेकर आया हूँ मैं, ये मजदूर लेकर आया हूँ पास के गाँव से, ये काटेंगे फसल, शुरू हो जाओ। हेलो चलो भाइयों, डरते क्यों हो? मैं हूँ ना, आओ मेरे साथ। खबरदार किसी ने भी खेत में जाने की कोशिश की तो पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगा। आप बीच में मत बोलिए पिताजी, ये हम किसानों का आपसी मामला है। देखो भाइयों, ये ठाकुर ये जमींदार बरसों से तमाम किसानों का हक छीनते आए हैं, इसीलिए हम लोगों ने काम बंद करने का फैसला किया है और आज हम लोगों का हक मानने के लिए तुम लोगों को बुलाया है। लेकिन याद रखना यही हालत कल तुम्हारी भी हो सकती है। मेहनत हमारी माँ है, मजदूरी हमारा ईमान है, इस रिश्ते से हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, हमें दिखाना है एक दौलत वाला दूसरे दौलत वाले को धोखा दे सकता है लेकिन एक मजदूर दूसरे को नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है ठाकुर साहब, आप अपने फायदे के लिए
हम किसान और मजदूर भाइयों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, ऐसे कभी नहीं होगा। बेटे हमें माफ कर दो, हमें मालूम नहीं था, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। चलो भाइयों, बुजुर्गों, भाई मानो, जाओ, सब चले जाओ, मुझे किसी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी की, मैं खुद फसल काट लूंगा, हरामी साले। छोटे ठाकुर, तुम्हें सब कुछ करना मंजूर है, लेकिन इन गरीब मजदूरों को उनका हक देना मंजूर नहीं। अगर इनके सर पे प्यार से हाथ नहीं फेर सकते तो मत फेरिए, और तुम्हारी फितरत इन्हें मारने की है तो इनकी पीठ पर मारिए, पेट पर नहीं। अगर एक मुट्ठी अनाज तुम इनकी झोली में डाल दोगे तो इसके बदले ये लोग तुम्हें हजारों मन अनाज पैदा करके दिखाएंगे। हजारों मन अनाज का लालच मत दो हमें, अपनी बात मनवाने के लिए हमारे फायदे का लालच दे रहे हो, तो सियासी चाल चल रहे हो। अरे भाड़ में गई इनकी चाल और भाड़ में गई ये फसल, सड़ती है तो सड़ जाए, लेकिन हम इनके आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे, इनकी मांगे कभी कबूल नहीं करेंगे। चलो डैड। अतरव इच्छा, ऐसे कैसे सड़ने देंगे छोटे ठाकुर, हम अभी और इसी वक्त फसल की कटाई शुरू करेंगे और अपने हक का अनाज लेकर बाकी अनाज तुम्हारी हवेली पर पहुंचा देंगे। चलो भाई शुरू करो। मैं भी देख लूंगा। जय जवान, जय किसान। हाँ, हे माँ, लक्ष्मी का भाई। भैया। ए मेरी बहनों, तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे मन की सुखी खेती पर प्यार की बौछार पड़ गई। पानी पी। एक बात पूछो, तुम दोनों साधु सन्यासी हो क्या? तुम लोगों को आने से पहले एक दूसरे का पता कैसे चल जाता है? थोड़ी देर पहले लक्ष्मी पानी लेने ये कहकर भागी कि भैया आ रहा है, और तू आते ही पूछ रहा है लक्ष्मी कब आई। माँ, इसे प्यार की वेलनेस कहते हैं। आंखों से देखे बगैर, हाथों से छुए बगैर, मन के रेडियो पर खबर आ जाती है कि जिस बहन को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो वो आ गई। जी लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, तुम दोनों का प्यार से जी भर गया हो तो अब खाकर पेट भी भर लो, इसे देर हो रही है, जल्दी घर जाना है, तेरे जीजा जी इसका इंतजार कर रहे होंगे। चलो भैया, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना मुंह को आदत पड़ गई तो कल से खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा, मुझे याद करते जाना और खाते जाना, कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। चलो खाना खाते हैं। चल। अरे ओ बाप के दुश्मन, तू मुझे बुढ़ापे में इस गांव में आराम की जिंदगी गुजारने देगा या नहीं? आखिर तेरा इरादा क्या है? अरे मालिक के मामलों में दखल देने की तुझे जरूरत क्या है? तू क्या अपने आप को इस गांव का ठाकुर समझता है, जमींदार समझता है? अरे हुआ क्या है, क्या क्या है इस बेचारे ने जो आते ही इस पर बरसना शुरू कर दिया? ये बेचारा एक दिन हमारे मुंह का चारा छीन कर रहेगा। पर आखिर हुआ क्या है? अरे किसका अनाज कौन कहाँ ले जाए, इससे इसे क्या मतलब? अब ये मालिक लोगों के मुंह लगने लगा, उन्हें धमकियां देने लगा है। वो तो मेरा मुंह देखकर माफ कर दिया इसे उन्होंने, वरना क्या सुली पर चढ़ा देते। देखा देखा, इसी तरह ये जबान को लगाम नहीं देता, और इसीलिए मुझे उनके सामने सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ता है। अरे वो खानदानी बड़े लोग हैं। तो क्या हुआ है? तो क्या हुआ, इनको खानदानी गुलामों की तरह गुलामी करके उनके पैर दबाने की क्या जरूरत है? जो सेवा चाकरी उस बड़े आदमी की पत्नी को करनी चाहिए, तुम्हारा बाप क्यों करता है? ये कहकर लोग मेरे मुंह पे थूकते हैं, जी करता है चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। अरे हम लोग जो अनाज खाते हैं वो उनका दिया हुआ है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। उसके बदले में दिन रात गधों की तरह मेहनत भी करते हैं, ये बात भी उन्हें भूलनी नहीं चाहिए। मैं कह कहकर थक गया, ये अपना रवैया बदलता नजर नहीं आता। और मैं भी सह सह कर थक गया, लेकिन ये अपना लेक्चर देना बंद करते नजर नहीं आता। बाप बेटा झगड़ना बाद में, पहले चलकर खाना खाना। अरे भाड़ में गया तेरा खाना मुझे नहीं चाहिए। भैया तुम तो खा लो। अरे भाड़ में गया तेरा खाना मुझे नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ तुम दोनों अपना गुस्सा खाने पे क्यों निकालते हो, चलो उठकर खाना खा लो। इस घर का खाना हराम है मुझ पर। मैं कहती हूँ तुम खाना खाने चलोगे या नहीं? कह दिया ना, चली जाओ यहाँ से चुपचाप। पहले खा लो फिर झगड़ना भैया। इस घर का खाना हराम है मुझ पर, मैं कहता हूँ चली जा चुपचाप यहाँ से। अगर ये दोनों खाना नहीं खाएंगे तो हम दोनों भी नहीं खाएंगे। बिल्कुल। अच्छा बाबा आता हूँ। अच्छा बाबा आता हूँ। अरे जालिम, जब मन में प्यार की आग लगती है तो शर्म की चिता पहले ही जल जाती है, और अब तो मेरा रोम रोम
इस आग में जल रहा है रवि, इस शरीर के पैमाने में जो जवानी की शराब उछल रही है, आज उसे पी ही डालो। खामोश! दोबारा ऐसे गिरे हुए बेशर्मी के शब्द मुंह से निकाले तो तेरा चेहरा ऐसे बिगाड़ दूंगा कि लोग तुझसे डरने लगेंगे। अगर मन में पाप की आग है तो जा, किसी पापी आदमी को ढूंढ ले। ठीक है। मालिक, मालिक बैठी ने आपको आराम करने को कहा है और आप है कि 3 घंटे से ऐसे चले जा रहे हैं कि जैसे घोड़े ने घास की बजाय खाई मन खुजली के पत्ते खा लिए हूँ। खाना खाने के बाद हजम करने के लिए पैदल चलना चाहिए। अगर आप तो इतना चल रहे हैं कि खाना पेट से उतर कर पाँव में आ जाएगा और आपके पाँव भारी हो जाएंगे। पाँव भारी? जी। लुबान? जी हाँ कुर्बान। गाल? हाजिर है। ये बात तो मुझे अभी बता रहा है जब मैं 150 मील पैदल चल चुका हूँ। अरे अब तो मेरे पैरों को भी चक्कर आ रही है। देखिए, एक रोटी हजम करने के लिए आपको 2 मील का चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ तो आपने 10 पराठे, 5 अंडे और 2 शेर दूध इतना सब खा लिया है। अगर दौड़ नहीं लगाएंगे तो हजम कैसे होगा, और अगर हजम नहीं होगा तो पेट फूल कर सर्कस के तंबू की तरह बड़ा हो जाएगा। ये क्या उठा रहे हो? ये आपका बेटा है चंडी मामा। मेरा बेटा इतना टूटा हुआ, समाज मंदिर में कुश्ती लड़ रहा था, पहलवान ने उठा के पटक दिया और इसकी हड्डी टूट गई। हाथ भी? एक तो ये नालायक बगैर हड्डियों के पैदा हुआ, दवाइयां खिला खिला के इसके शरीर में हड्डियां पैदा की। उधर ये समाज मंदिर वाले रोज इसकी हड्डियां तोड़वा देते हैं। अबे पतीले के खुरचन, जब ऊपर अकल बैठ रही थी तो तू कहां था? नीचे था। चुप नालायक, एक तो तूने पैदा होने में 13 महीने लगा दिए और अगले 1 महीने के लिए पैदा नहीं हो सकता। मालिक, लगता ही आपका बेटा ने किसी और का कैलेंडर है। क्या कहा? माफी चाहता हूँ, गाल हाजिर है। मैं इस समाज मंदिर से तंग आ चुका हूँ, अब इसको तोड़वाना ही पड़ेगा। जी 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 जी, क्या मुसीबत है। इस समाज मंदिर के शोरगुल से किसी दिन मेरा दिमाग फट जाए। सुबह में भजन, शाम में कबड्डी, रात में कवाली, ऐसा लगता है कि पड़ोस में किसी इंसान का नहीं शैतान का घर आके बस गया। अबे ओ चिल्लाओ मत पहलवानों, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? सुबह शाम चिल्ला चिल्ला कर वर्जिश करते रहते हो। इस घर के अंदर आदमी रहते हैं, जानवर नहीं। खामोश। और एक सवाल मैं आपसे करता हूँ शक्ति सिंह जी, क्या इसे क्या कचरे का डब्बा समझ रखा है जो रोजाना घर का कचरा यहीं फेंकते हो? आज माफ कर देता हूँ, मगर आइंदा अगर तुम्हारे घर का कचरा यहाँ आया तो तुम्हारा ये शानदार घर कचरे का डब्बा नजर आएगा, समझे? क्या मतलब? एक तो हमारे घर के सामने कुश्ती का अखाड़ा बना दिया, ऊपर से अंदाज तो देखो महाराज के, क्या कुश्ती करने के लिए जगह मिली थी, और कहीं नहीं मर सकते थे। ए बाबू, तमीज से आवाज नीची करके शराफत से पेश आओ, वरना मैं अगर चिल्लाने पर आ गया ना तो तुम्हारे घर की ईंटें घबरा कर आपस में टकरा जाएंगी और उसके बाद गिर जाएगी। ये मेरी जगह है, यहाँ कुश्ती भी होगी, कत्ल भी होंगे और नौटंकी भी होगी। अगर तुमसे देखा नहीं जाता तो आंखें बंद कर लो, सुना नहीं जाता तो कान बंद कर लो, और बोला नहीं जाता तो अपना मुंह बंद कर लो, समझे? अबे ओ अकल के अंधे, क्यों इसके मुंह लग के अपनी इज्जत का दीवाला निकाल रहा है? चलो साले। अरे चलो अरे, चल, चल, चल चल बे। अगर आप उस गंदे झोपड़े को हटाने के लिए पंचायत को राजी नहीं कर सकते तो ये काम मुझे करने दीजिए, मैं खुद उस झोपड़े को आग लगा दूंगा। बुजुर्गों ने कहा है कि पड़ोसी के घर को आग लगाओगे तो खुद का घर भी जल जाएगा, तुम एक आसान काम क्यों नहीं करते? अपने भाई को क्यों नहीं छोड़ देते उन लोगों पर? है? भाई, अरे भाई मैंने तो एक ही बेटा पैदा किया था, ये दूसरा कहां से आ गया? तुम्हारा वो बेटा जो ये बेटा बाजार से खरीद के लाया, मतलब कुत्तों की जात को शर्माने वाला ये कुत्ता। चंडी दास, तुमने सोफे का सत्यानाश कर दिया, आराम से बैठ पूरी जाए। अरे तो मैं क्या करूं, अपने इस बेटे को अपनी भाषा में समझा भाई। मामा घबराओ मत, ये कुत्ता आपको काटेगा नहीं। क्या है कि आपने इसको कुत्ता बोल दिया ना, इसलिए आपसे ये नाराज हो। हाँ। कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलूंगा तो क्या शेर बोलूंगा? मामा इसका भी नाम है आपकी तरह। अच्छा, पैसे वालों की तरह कुत्ता भी नाम का दीवाना होता है क्या? क्या नाम है इसका? मामा, मेरा मतलब एडवर्ड। अच्छा अच्छा, एडवर्ड, क्राफर्ड, मास्टर्ड, ये विदेशी नाम रखने की क्या जरूरत है? कोई देसी नाम नहीं रख सकते थे? भोगोचन टेढ़ी दुम वाला, काटोचन 14 इंजेक्शन वाला, चट्टीचन निकम्मे चन। मामा आप जब देखो मजाक करते रहते हैं। अरे यार चट्टी जास, क्या बात है भाई, आज समाज मंदिर के खिलाफ बड़ा जहर उगल रहा है। आए जी, अजी शहर उगलू, एक तो बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई, शादी के बाद बड़ी मुश्किल से मेरी औलाद हुई, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उस औलाद को बड़ा किया। अब आए दिन समाज मंदिर के बंदर उस औलाद का कोई नकुल पुर्जा तोड़ देते, जैसा मेरा घर नहीं हुआ, कोई टूटी फूटी गाड़ियों का गैरेज हो गया, अब कल उसकी हड्डी तोड़ दी, अब मैं रोज उन्हें हड्डियां कहां से लाऊं? कहां से?
तुम उनके मुंह पे झाड़ू क्यों नहीं फेरते? बेकार भाड़ क्यों नहीं करते लोगों को? अरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता चंडी दास, समाज मंदिर के नाम पर जो गुंडों का अड्डा चल रहा है वो जमीन रवि की है। तो ये कि वो जमीन रवि को अपने दादा से विरासत में मिली है और वो ये जमीन बेचने को कभी तैयार नहीं होगा। ठाकुर साहब, जब गोविंद की बेटी की शादी थी तो तुम्हें याद है तुमने उसको 5,000 रुपया कर्जा दिया था? हाँ याद है। तो फिर तो तुम उस पर दबाव डालो कि फौरन वो कर्जा लौटा दे। उसके पास पहनने के लिए दूसरी धोती नहीं है, वो 5,000 कहाँ से लौटाएगा? तो तुम उससे कहो कि अपने बेटे को तुम्हारे यहाँ नौकरी पे भेजे ताकि तुम उसके पगार से आहिस्ता आहिस्ता अपने कर्ज की रकम वसूल कर सको। और एक मरतबा वो यहाँ आया मतलब शिकारी के जाल में बिगड़ा हुआ शेर फंसा, फिर तुम उसका गुरूर निचोड़ लेना, घमंड निकाल देना, दांत उखाड़ देना, पंजे निकाल देना और एक महीने वो बिगड़ा हुआ शेर शराफत की बकरी बन जाएगा। अरे फिर वो समाज मंदिर का झोपड़ा तो क्या अपने बाप का थोड़ा भी नहीं। अरे वो तेरे दादा की जमीन है ना जो तेरे नाम पे है, जहाँ तूने समाज मंदिर बनवाया है, ठाकुर साहब चाहते हैं वो जमीन तुम उन्हें दे दो, कहते हैं उनसे लिया हुआ सब कर्जा उतर जाएगा। आग लगे उनके चाहने को, जमीन तो क्या एक मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं मिलेगी वहाँ की। अरे बेटे हमें क्या करना उस जमीन के टुकड़े को, उनके हवेली के बगल में हमें घर थोड़ा बनाना है। दे दो उनको जमीन पर खत्म कर दो। बात तुम नहीं जानती, किसी भी तरह कुछ ना कुछ तिगड़म चला के उस जमीन को हत्या लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी हवेली के बगल में हमारी छोटी सी झोपड़ी उनकी आंखों को चुभती है, उनकी शान में फर्क डालती है। सोचा होगा ये तो ठहरा गोबर गणेश, जो मर्जी से करवा लो। हाँ हाँ मैं गोबर गणेश ही सही, ये तो अकल का खजाना है ना, इससे पूछो बाप का कर्जा कैसे चुकाए। कैसे भी चुका दूंगा, इनसे कहो थोड़ी सी मोहलत और ले ले। अरे मोहलत मिलने से पैसा कहाँ से आएगा, पूछो इससे, कहीं चोरी करनी होगी या डाका डालना। इनका बेटा ठाकुर के बेटे की तरह आवारा कामचोर निकट्टू नहीं है, मेरे बाजू में दम है और कलेजे में हिम्मत, कहीं भी मेहनत मजदूरी करूंगा और किसी भी तरह कर्जा अदा कर दूंगा। अरे जिद की आग से गरीबों के घर जल जाते हैं, चूल्हे नहीं, कहो इसे अलग से मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है, हम दोनों एक ही जगह काम करेंगे तो कर्जा जल्दी उतर जाएगा। अब आई बात समझ में, घुमा फिरा कर यही दांव खेलेंगे ये मालूम था मुझे। अरे माँ कुछ समझी, इनकी तरह ठाकुर के पैरों की मालिश करने वाला गुलाम बनाने का प्लान बना जा रहा है। इनसे कह दे इस जन्म में ये हो नहीं सकता, ये गुलामी का सिलसिला इस पीढ़ी से खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। ठीक है, अगर पैसे नहीं देंगे तो वो लोग मुकदमा दायर करेंगे हमारे खिलाफ, मैं तो अदालत में साफ साफ कह दूंगा मेरे पास पैसे नहीं और मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। अगर ये जेल गए तो इनसे कह दे इनके साथ साथ मैं भी जेल जाऊंगा, लेकिन उन सब सालों को कत्ल करके। इससे तो अच्छा है इससे कहो कि बाप की चिता को आग लगाने का काम जो किसी भविष्य में इसे करना पड़ेगा वो आज ही कर। ये तुम क्या कह रहे हो? हमें सब कर्जे चुक जाएंगे, इसके भी और मेरे। पिताजी आपने कर्ज मेरी खातिर लिया था ना, मेरी शादी के लिए, इस बिना पर आप और भैया क्यों झगड़ते हैं? लीजिए ये जेवर लीजिए, इन्हें बेचकर उनका कर्ज अदा कर दीजिए। लक्ष्मी क्या बेहुदा बात कर रही है, तेरा भाई अभी जिंदा है, तूने कैसे सोच लिया कि तेरा भाई तेरे गहने बेचने के लिए राजी हो जाएगा? हाँ कह दे पिताजी से तेरी खातिर मुझे ठाकुर के यहाँ काम करना मंजूर है, जिन ठाकुरों के ये बरसों से गुलामी करते आए हैं, कह दे इनका बेटा भी कल से उनकी गुलामी करने आ रहा है, उनके जूते साफ करने की नौकरी के लिए राजी हो गया है। ये कुत्ते के कान में क्या झांक रहे हो, कोई पैसा वैसा गिर गया क्या अंदर? नहीं मामा इसके कान में दर्द है। अरे रे रे दर्द है, हाँ भाई के दर्द भाई नहीं पहचानेगा तो और कौन पहचानेगा। देखो मामा। अरे क्या देखूं, मैं तुझे उस जमाने से देख रहा हूँ जब तू इतना सा नंगा घुमा करता था, वैसे कपड़े पहन कर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। शट अप मालिक। वाह भाई वाह गोविंद, तुम तो उसे हाथ हाथ ले आए भाई, मुआवजा वगैरह क्या मिलेगा सब समझा दिया ना इसे। ए मेरा नाम ए नहीं रवि है। गोविंद अपने बेटे से कहो खामखा तकरार टंटा ना करे, लगन से काम कर। जी मालिक। जा तू बगीचे में जाके मेरा इंतजार कर, मैं आके तुझे काम समझा देता हूँ। अबे और रवि के बच्चे क्यों गए, शक्ति के बच्चे? रवि बुरा लगा ना, इसी तरह मुझे भी बुरा लगा, इसलिए इज्जत दो और इज्जत लो, मुझे रवि कहकर पुकारो। ओ हो हो महाराजा राज राज श्रीमान रवि साहेब, अब आप कृपा करके अपना काम संभालेंगे? अवश्य हुजूर। पिताजी अबे तुबे कहकर पुकारना, कुत्ता गधा कहके गाली देना, ये सब हरकतें आप अपने तक ही महदूद रखिए, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन की खातिर काम करने आया हूँ, इसे जरा समझा देना।
बड़ी देर लगा दी पेड़ गिराने में। ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके शाम को हवेली में पहुंचा दो। गोविंद जी, तुम यही ठहरो और इससे डट के काम करवाओ। जी मालिक। ठहरो बेटा। आपकी ये उम्र काम करने की नहीं है। बेटा तूने भी तो आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया था, पर आज एक ही दिन चार आदमियों का अकेले काम कर रहा है तू। अच्छा ना पिताजी, मेरा बाप अपनी इज्जत नहीं रख सका, कम से कम मैं अपने बाप की इज्जत तो रख सकता हूँ। उन मगरूर लोगों को सबक सिखाने का अच्छा मौका मिला है। मगर तुझे ये बुरा मौका दिलाने वाला ये तेरा बदकिस्मत बाप है बेटे, मैं। देख देख तेरी हथेली में कितने छाले पड़ गए हैं, तेरी माँ देखेगी तो खून के आंसू रोएगी। जुल्म की कुल्हाड़ी में कितने माओ के लालों के खून बहाए हैं, आज तक उन माओ के दिलों पर क्या बिकती होगी कौन जाने। खैर अब जाइए खाना खा लीजिए, मुझे काम करने दीजिए, जाइए। कंचन बेटी आ रही है। हाँ तार आया है, लिखा है स्टेशन पर गाड़ी भेज देना। हाँ तो ठीक है, तुम भी जवाबी तार दे दो कि स्टेशन पर गाड़ी पहुँच जाएगी। हाँ। वाह, महीनों से कह रहा हूँ कि एक कार खरीदो, लेकिन नहीं। आज अगर मेरे पास कार होती तो कल मैं अपनी बहन को लेने के लिए खुद स्टेशन जाता। हाँ भाई कार भी ले लेंगे, लेकिन पहले हमारी बिटिया रानी को तो आने दो।